आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रेलवे लाइन के अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। क्या होता है रेलवे लाइन का अलाइनमेंट, क्या होता है रेलवे लाइन का अलाइनमेंट? का मतलब है जो दोनों रेलवे है, रेल है, जो ट्रैक का, ट्रैक में जो दो रेल होती हैं, लेफ्ट रेल और राइट रेल, और बीच में होता है स्लीपर। तो लेफ्ट रेल और राइट रेल जो होती है उसका जो ट्रैक की सेंटर लाइन है उसके साथ अलाइनमेंट करना, वो होता है रेलवे का अलाइनमेंट या रेलवे लाइन का अलाइनमेंट। तो जो ट्रैक पे जो सेंटर लाइन होता है, सेंटर लाइन होती है, तो अलाइनमेंट कैसे होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में अलाइनमेंट होता है और वर्टिकल प्लेन में अलाइनमेंट होता है। ट्रैक डिजाइन होता है तो जो सेंटर लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे जा रही है, सीधे जाती है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, फिर ट्रांजिशन कर्व आता है, उसके बाद फिर सर्कल आता है। स्ट्रेट लाइन, ट्रांजिशन कर्व जो कि पैराबोला कर्व होता है, और फिर सेंटर लाइन, सेंटर कर्व। तो कर्व होता है तो सेंटर लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव करती है उसे। तो उसके अलावा वर्टिकल प्लेन में मूव करती है, या तो ट्रैक सीधा होगा, स्ट्रेट जाएगा, ठीक है, या फिर ऊपर जाएगा, हाई ग्रेडिएंट ऊपर जाएगा, चढ़ाई पे जाएगा, या फिर डाउन ग्रेडिएंट या नीचे की तरफ जाएगा, स्लोप बनाएगा एक। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में और वर्टिकल प्लेन में ट्रैक डिजाइन होता है, उसका अलाइनमेंट किया जाता है, और दोनों रेल्स का सेंटर लाइन से अलाइनमेंट रेल लाइंस का अलाइनमेंट कहा जाता है। जो एक अच्छा अलाइनमेंट है वो बहुत जरूरी होता है हमारी ट्रेन के हाई स्पीड पर सेफ्टी के साथ चलने के लिए। अच्छा, जब हम ट्रैक के अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आइडियल अलाइनमेंट की, ये इसके बारे में हम जानते हैं। जब भी हम कोई नई रेलवे लाइन डालते हैं तो हम चाहते हैं कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, मतलब कि रेल लाइन के जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वो बस स्टैंड के पास हो, रेलवे स्टेशन है जो शिपिंग लाइंस के पास हो, या दूसरे कम्युनिकेशन के मीडियम के पास हो, तो हम इस तरह के रेलवे स्टेशन सिलेक्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा ट्रैक का अलाइनमेंट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जो उसके अलावा जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन होते हैं, जैसे कि हम शॉर्टेस्ट रूट जो होता है, जो छोटे से छोटा ए पॉइंट और बी पॉइंट को मिलाने के लिए हम रेलवे लाइन डाल रहे हैं, तो उनके बीच का जो छोटा से छोटा डिस्टेंस है वो हम यूज करते हैं रेल के अलाइनमेंट के लिए। छोटा छोटा डिस्टेंस हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, कम डिस्टेंस होने से रेलवे की लेंथ कम होगी, रेलवे की लेंथ कम होगी तो उसमें लगने वाले मटेरियल की कॉस्ट कम आएगी, साथ में लेबर कॉस्ट कम आएगी, तो अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट कम पड़ेगी रेलवे को बनाने के लिए। और रेलवे को, रेलवे लाइन डालना बहुत भारी भरकम खर्चे वाला काम होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है उसमें, क्योंकि एक बार आपने गलत रेलवे लाइन डाल दी तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो लगी लगी, बाद में लंबी लाइन के मेंटेनेंस के लिए आपको ज़्यादा लेबर भी लगेगी, ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा डीजल लगेगा और ज़्यादा आपको मेंटेनेंस भी लगेगा, बार बार रेल खराब हो रही है, लंबी रेल है, चेंज करना है तो मटेरियल भी ज़्यादा लग रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसके लिए सर्वे किया जाता है पहले रेलवे लाइन डालने के पहले, जो भी शॉर्टेस्ट रूट है वो लिया जाता है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट, दूसरा पॉइंट यह जाता है कि कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस पॉइंट, मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो भी हमको देखना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए शॉर्टेस्ट रूट है, सामने है ए और बी पॉइंट को मिलाने के लिए, लेकिन उसके बीच में एक पहाड़ है, तो अब उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, टनल बनानी पड़ेगी। अब टनल बनाएंगे, खर्चा बढ़ गया टनल बनाने में। उसके अलावा उसके टनल की, टनल गिर जाती है, कभी लैंडस्लाइड हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, टनल तक पहुंचना मुश्किल होता है, वहां पे स्टाफ का पहुंचना, फिर उसके बाद फिर रेलवे का मेंटेनेंस करना, तो ऐसा हो जाता है, या फिर कोई खाई आ गई, समंदर आ गया, तो ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये बात ध्यान में रखी जाती है कि कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आए। शॉर्टेस्ट रूट तो देखा जाता है, लेकिन शॉर्टेस्ट रूट अगर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, लेकिन उसके कारण हमारी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट अगर बच जाए, तो हम उस रूट को यूज़ करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट हो जाता है वो है कि मिनिमम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होने चाहिए। मतलब कि अब बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाली पूरा पहाड़ ऊपर चढ़कर फिर नीचे आना पड़े, इससे अच्छा कि आप टनल बना लें, क्योंकि चढ़ाई में आपको फ्यूल ज़्यादा लगेगा, फिर आपके जब नीचे आएंगे तो फ्यूल तो कम लगेगा लेकिन ब्रेक ज़्यादा लगेगा। ब्रेक ज़्यादा लगने से ब्रेक शू जो है वो ज़्यादा घिसेंगे, तो ब्रेक शू जल्दी जल्दी ख़राब होंगे, तो ब्रेक शू जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, और ब्रेक शू के अलावा रेल भी घिसेगी तो वो भी चेंज करना पड़ेगा, तो ओवरऑल जो आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना पड़ता है। उसके अलावा मैक्सिमम सेफ्टी और कंफर्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा शार्पनेस है, बहुत शार्प का बना रहे हैं, तो उसमें सेफ्टी कम हो जाती है, साथ में कंफर्टनेस भी कम हो जाती है। तो लॉन्ग कर्व, लंबे कर्व बनाए जाते हैं रेलवे में, लंबे सर्किल बनाए जाते हैं, लंबे कर्व बनाए जाते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट आता है, एस्थेटिक कंसिडरेशन होता है, ये हर जगह नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन इसको भी करना चाहिए, क्योंकि रेलवे की जो यात्रा है उसमें बाहर के दृश्य कैसे दिख रहे हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। रेलवे कहीं से भी निकल रही है, कुछ आपत्तिजनक जगह से निकल रही है, ऐसी जगह से निकल रही है जो कचरा पड़ा है, दोनों तरफ फैक्ट्रियां हैं दोनों तरफ, तो उससे अच्छा है कि रेलवे निकले ऐसी जगह से जहाँ पे नेचुरल सीनरी हो, तो इसको बोलते हैं एस्थेटिक कंसिडरेशन। ये चौथा पॉइंट है, कम ही यूज लोग इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि कॉस्ट मिनिमाइजेशन को, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इसको भी करना चाहिए। जब हम रेलवे ट्रैक का अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं कि ट्रैक का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व में कैसा मूवमेंट होगा या फिर कैसा एक्सपांशन होगा ट्रैक का, तो उस समय टोपोग्राफी ऑफ जो कंट्री, जो देश का जो टोपोग्राफिक एरिया होता है, जो वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। टोपोग्राफी मतलब होता है कि किस तरह से जो हमारी कहाँ पहाड़ है, कहाँ ऊंचाई है, हाइट है, कहाँ गहराई है, ये सारी चीज़ें टोपोग्राफी में आती है, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उसके हिसाब से हम कैसे ट्रैक बनाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। प्लेन अलाइनमेंट, ट्रैक का अलाइनमेंट प्लेन रहता है। जब प्लेन सरफेस पे हम ट्रैक बना रहे हैं तो ये सबसे ईजी है, इसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी, एक सिटी है मुंबई, एक सिटी है दिल्ली, दोनों के बीच में बिल्कुल प्लेन एरिया है। क्या करेंगे हम, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, इतना आसान होता है ये प्लेन का जो अलाइनमेंट होता है, प्लेन एरिया का अलाइनमेंट होता है। अब अगर वैली हो तो वैली में रेलवे लाइन जो होती है वो भी सिंपल ही होती है, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैली मतलब होता है घाटी, थोड़ी गहराई में जा रही है ट्रेन, ऊपर से नीचे तरफ थोड़ी सी, थोड़ा सा स्टीप एरिया होता है, तो उसमें हम पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक रेल आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेट अलाइनमेंट ही जैसे ही उसको भी बना लेते हैं। और जो ग्रेडियंट होती है इसमें, जो स्लोप होगा रेलवे ट्रैक का, उसको हम यूनिफॉर्म रखते हैं। यूनिफॉर्म रखते हैं मतलब कि हम उसको बढ़ाते घटाते नहीं हैं, कभी ज़्यादा ग्रेडियंट कभी कम ग्रेडियंट ये नहीं करते हैं, एक सही रखते हैं। तो दोनों पॉइंट के बीच में एक स्टीप ग्रेडियंट, मतलब एक ऐसा ग्रेडियंट लेते हैं जो कि नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो। फिर क्रॉस कंट्री अलाइनमेंट होता है। अब देखो, प्लेन एरिया से निकल रही है ट्रैक, प्लेन एरिया से जाने के बाद फिर ट्रैक समंदर बीच में आ जाता है, कोई खाड़ी बीच में आ जाती है, या फिर कोई नदी बीच में आ जाती है, तो उस समय ट्रैक को बोलते हैं हम
क्रॉस कंट्री ट्रैक बोलते हैं, दोनों जगह की टोपोग्राफी बिल्कुल अलग होती है पॉइंट ए और पॉइंट बी की, जिसके बीच में हमको ट्रैक बनाना है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस कंट्री अलाइनमेंट। ऐसे में जिसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें ध्यान में रखना पड़ता है बहुत सारे पॉइंट। एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रखना है, उसके अलावा हमें टनल्स बनानी पड़ती है, और जो वाटर साइड लाइंस होती हैं तो ऐसा बनाना पड़ता है कि जो वाटर के पास ही हो, वाटर साइड लाइन के पास ही हो हमारा ट्रैक। तो इस तरह से हम इसमें टनल्स वगैरह बनाकर क्रॉस कंट्री अलाइनमेंट बना लेते हैं। और माउंटेन में भी हम रेलवे चलाते हैं, तो उसके लिए माउंटेन में कैसे अलाइनमेंट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। माउंटेन में जब भी हम अलाइनमेंट करते हैं तो वो हो जाता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि माउंटेन में क्या होता है ना, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होती है। तो माउंटेन में जो सेक्शन होता है उसमें जो हाईएस्ट ग्रेडियंट होती है, जो सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट होती है, उसको हम बोलते हैं रोलिंग ग्रेडियंट। उस सेक्शन की वो रोलिंग ग्रेडियंट होती है, उस ग्रेडियंट से ज़्यादा कोई ग्रेडियंट नहीं होती है। और रोलिंग ग्रेडियंट को हम अलाउबल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है, अलाउबल ग्रेडियंट या अलाउबल स्लोप बोलते हैं। उससे ज़्यादा स्लोप या उससे ज़्यादा ग्रेडियंट उस सेक्शन में नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा हम अलाउ ही नहीं करते, उससे ज़्यादा का हम ट्रैक डिजाइन ही नहीं करते, उससे कम ही करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ट्रैक रेलवे लाइन पे रोलिंग स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, और ट्रैक जैसे हाइट पे हाइट है, स्लोप है, तो वो पीछे की तरह मूवमेंट करना चालू कर देगा, रोल डाउन होना चालू कर देगा। तो रोल डाउन ना हो इसके लिए हमें ग्रेडियंट को कंट्रोल में रखना पड़ता है जब हम ट्रैक डिजाइन करते हैं। अब मूवमेंट देखो क्या होता है, जब हम माउंटेन में ट्रैक बनाते हैं तो ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमको रोलिंग ग्रेडियंट के अंदर ट्रैक को डिजाइन करना है तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। एक मेथड है जिगजैग लाइन मेथड, जैसे हम जिगजैग लाइन बनाते हैं ना, उसी तरह से हम ये ट्रैक बनाते हैं। ट्रैक को सीधे स्ट्रेट ना करके स्लोप में जिगजैग जैसे स्लोप में बनाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ दाएं तरफ थोड़ा सा झुककर स्लोप में चल रही है, हल्का सा ग्रेडियंट लेते हुए थोड़ा आगे जाके फिर वहां से पूरा जैसे घोड़े की नाल होती वैसे मुड़ जाती है, और फिर अब लेफ्ट से राइट की तरफ हल्का सा स्लोप लेते हुए चलेगी, हल्का सा स्लोप लेते हुए चलेगी, मतलब रोलिंग ग्रेडियंट के अंदर वाला स्लोप, रोलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा का स्लोप नहीं लेगी, आगे जाएगी, फिर आगे जाके फिर घोड़े की नाल के जैसे एक यू टर्न, उसको यू टर्न बोलते हैं, यू टर्न जैसा एक सर्कल देकर हम फिर से ट्रैक को मोड़ देंगे, फिर वो लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगी, स्लोप देखें, ठीक है, नीचे से डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वर्टिकल कर्व बहुत ज़्यादा हो गया और ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो गया तो रेल नहीं चढ़ पाएगी, तो उसको लेफ्ट से राइट की तरफ थोड़ा सा स्लोप, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा स्लोप, फिर यू टर्न, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, ऐसे चलकर हम ऊपर ले जाते हैं। इसको हम बोलते हैं जिगजैग मेथड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जिगजैग मेथड ऑफ रेलवे ट्रैक अलाइनमेंट। इसके अलावा होती है एक स्विचबैक मेथड। जैसे जिगजैग मेथड में हम पूरा यू टर्न देकर रेल को पूरा घुमा देते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पॉइंट ए से लेके बी तक, पॉइंट ए से लेके बी तक, मतलब कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रैक डिजाइन कर रहे हैं, हल्का सा स्लोप लेकर ऊपर गई रेल, उसके बाद फिर पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद हम उसका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे और वो जाएगी पॉइंट बी से सी तक, और पॉइंट बी से सी क्या बनेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब वो जिगजैग जैसे ही हो गई, लेकिन इसमें मूवमेंट, इसमें हम कर्व नहीं बना रहे, हम यू टर्न के लिए जो कर्व बना रहे थे वो यू टर्न के लिए जो कर्व बना रहे थे वो नहीं बनाएंगे, उसकी जगह हमने डायरेक्शन ही चेंज कर दी, ए से बी तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर बी से ऊपर सी तक रिवर्स डायरेक्शन में, फिर सी से फिर डी तक फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो उससे हमारा यू कर्व जो बनना रहता है वो नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पॉइंट चेंज करने पड़ते हैं, जहाँ डायरेक्शन चेंज होती है, वो स्टेशन यार्ड के अंदर ही रखी जाती है, स्टेशन यार्ड के बीच में नहीं होती वो, ठीक है। तो ये दो मेथड है जो हम
यूज करते हैं, माउंटेन में जब रेलवे ट्रैक बनाते हैं तब यूज करते हैं हम इसका। उसके अलावा एक तीसरी मेथड भी है जिसको हम बोलते हैं स्पायरल मेथड, एक स्पायरल या फिर कंप्लीट लूप मेथड, पूरा कंप्लीट लूप बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों के ऊपर चढ़ने के लिए गोल गोल सीढ़ियां बनती है, गोल गोल रास्ते बनते हैं ना। नीचे से हम चढ़ते हैं, थोड़ा सा रोलिंग ग्रेडियंट के अंदर वाला ग्रेडियंट लेके स्लोप बनाते हुए पहाड़ के चारों तरफ घूम के आते हैं, वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे सामने बीच, फिर लेकिन वो थोड़ा नीचे वाले पॉइंट से ऊपर पहुंच गए हम। अब फिर हम एक राउंड और मारेंगे हल्का सा ग्रेडियंट लेके, फिर हम और ऊपर पहुंच गए। ऐसे पहाड़ के ऊपर गोल गोल घूमते घूमते हम ऊपर तक पहुंचेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट ऊपर नहीं पहुंच सकते, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है तो लेंथ बढ़ा देते हैं। गोल गोल घूमते घूमते हम ऊपर तक पहुँचते हैं, उससे लेंथ बढ़ जाती है लेकिन ग्रेडियंट जो है वो कम हो जाती है। तो ये तीन तरीके जो हैं वो हम यूज़ करते हैं माउंटेन में अलाइनमेंट करने के लिए। बाकी जगह अलाइनमेंट करना थोड़ा ईजी है, लेकिन माउंटेन में रोलिंग ग्रेडियंट का खास तौर से ध्यान रखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि माउंटेन्स में रेलवे ट्रैक बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसका जो भी हम अलाइनमेंट बनाते हैं, चाहे जिगजैग जैक अलाइनमेंट बनाएं, चाहे हम पुशबैक अलाइनमेंट बनाएं, लेकिन उसका रीज़न होता है कि ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा स्टीप होती है। अब कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा स्टीप होती है, तो वहाँ पर हम बनाते हैं रैक रेलवेज बनाते हैं या फिर रैक एंड पिनियन रेलवेज बनाते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 1 in 3 है, 3% से ज़्यादा ग्रेडियंट है, तो हम जो लोकोमोटिव है वो पुल नहीं कर पाता है, जो इंजन है वो खींच नहीं पाता है ट्रेन को, और ट्रेन क्या होती है, रोल डाउन होने लगती है, वापस पीछे भागने लगती है। जैसे इंजन खींचेगा फिर आके फिर पीछे रोल डाउन होना चालू हो जाती है और स्लिप भी हो सकती है ट्रैक से। तो ऐसी जगह पर रेलवे बनाने के लिए हम रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। अगर आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा। रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म के तौर पर ही हम ये रेलवे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसमें दो तो रेल होती है हमारी ट्रैक में, लेकिन इसमें एक तीसरी रेल होती है, तो तीसरी रेल होती है उसमें रैक बना होता है, ठीक है, और टू थर्ड रेल होती है, वो तीसरी रेल जो होती है वो बीच में होती है, वो टू थर्ड रेल होती है। और जो लोकोमोटिव होता है या इंजन का जो रोलिंग स्टॉक होता है उसमें लगे होते हैं पिनियन, एक गियर होता है, और वो टू थर्ड गियर एंगेज रहते हैं थर्ड रैक के साथ, थर्ड रेल के साथ जो कि रैक होती है। तो रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये, इससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाने से हम आसानी से चढ़ जाते हैं ऊपर, चाहे ग्रेडियंट 3% हो या ज़्यादा हो, 1 in 5 भी हो अगर ग्रेडियंट, तो भी हम ऐसे रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म का यूज़ करके हम रैक रेलवे बनाते हैं और आगे बना लेते हैं, चल जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत इंटरेस्टिंग भी था कि हम इस तरह से भी रेलवे बनाते हैं, रेलवे का अलाइनमेंट बनाते हैं। अब ऐसे कुछ फैक्टर हैं जिसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हमको कंसिडर करना ही पड़ता है जब हम रेलवे ट्रैक का अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं। तो पहला फैक्टर तो है जियोलॉजिकल फैक्टर जो होता है, कि जहाँ भी हम ट्रैक बना रहे हैं तो वहाँ की सॉइल कैसी है। भाई पॉइंट ए से बी के बीच में हम ट्रैक बना रहे हैं, उसके बीच में अगर सॉइल जो है उसकी स्ट्रेंथ कम है, जो मिट्टी है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम है, तो वो ट्रैक के लोड को लंबे समय तक कैरी नहीं कर पाएगी। हम जब ट्रैक बनाते हैं 100, 150, 200 सालों के लिए बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हार्ड होना चाहिए मिट्टी, जो कि ट्रैक की पे जो लोड आने वाला है उसको कैरी कर सके। अगर हार्ड नहीं है तो थोड़ा सा हमको अलाइनमेंट चेंज करना पड़ता है, ऐसी जगह ट्रैक बनाना पड़ता है, उससे हम 100-200 मीटर दूर बनाएं, लेकिन ऐसी जगह हो जो कि उस लोड को कैरी कर सके, तो सॉइल को हमको ध्यान में रखना पड़ता है और उसके हिसाब से हमको ट्रैक में चेंज करना पड़ता है। तो जियोलॉजिकल
फैक्टर, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा होता है इफेक्ट ऑफ फ्लूड क्या और क्लाइमेट क्या है, फ्लूड एंड क्लाइमेट, ये दूसरा फैक्टर है। बहुत जगह बाढ़ आती है, अब हमने पॉइंट ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट रूट बना दिया, लेकिन उस शॉर्टेस्ट रूट में हिस्ट्री है कि हमेशा बाढ़ आती है, वहाँ पे अक्सर बाढ़ आती है या 5-10 साल में एक बार बाढ़ आती है, तो बाढ़ में क्या होगा, ट्रैक खराब हो जाएगा, ट्रैक डूब जाएगा, तो और या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ नहीं आती, अर्थक्वेक आता है और ट्रैक के लिए नुकसानदायक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा क्लाइमेट है, क्लाइमेट क्या होता है, तो इसको हमको रिकॉर्ड निकालना पड़ता है, वहाँ का पुराना रिकॉर्ड क्या है, और वो सारी रीडिंग्स के अकॉर्डिंग हमको ये एरिए, ऐसे एरिए अवॉइड करने पड़ते हैं जहाँ पे बाढ़ आने वाली हो, फ्लूड हो आने वाला हो, और जहाँ पे क्लाइमेट ऐसा हो जो ट्रैक के लिए सही ना हो, तो उसको हमको अवॉइड करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है हमारा जो पोजीशन ऑफ रोड है, और उसके अलावा रोड की जो क्रॉसिंग्स वगैरह हैं, तो वो हमको देखना पड़ता है। हमारी रेलवे लाइन जब भी क्रॉस करती है किसी रोड को, तो 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि लंबे एंगल पर क्रॉस करेगी तो रेलवे लाइन और रोड साथ साथ लंबे समय तक चलेगी, है ना। तो इतना बड़ा गेट कैसे बनाएंगे हम, या फिर इसके ऊपर ब्रिज बनाना पड़े तो हम इतना बड़ा ब्रिज कैसे बनाएंगे हम, तो 90 डिग्री पर रोड जितनी भी क्रॉस हो रही है 90 डिग्री पर क्रॉस होना चाहिए। अगर हम रोड चेंज नहीं कर सकते तो हम रेल को चेंज करेंगे, रेल का ट्रैक का अलाइनमेंट ऐसा चेंज करेंगे कि वो 90 डिग्री पर क्रॉस करे, ठीक है। और उसके अलावा एक्सीडेंट वगैरह अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी पोजीशन ले जहाँ से कम हम रोड को क्रॉस करें, रोड को ज़्यादा ट्रैक क्रॉस करें वो अच्छी बात नहीं है। अगला पॉइंट है कि लेबर और मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है। अगर हम ट्रैक बना रहे हैं ऐसी जगह में जहाँ पर लेबर अवेलेबल ही नहीं है, या मटेरियल ट्रैक बनाने का मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या फिर हम नहीं ले जा पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, टाइम में डिले होगा प्रोजेक्ट के, और इस तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ऐसी पोजिशन में हमको उस लोकेशन को अवॉइड करना पड़ता है, भले वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, शॉर्टेस्ट रूट हो, बाकी सब चीज़ों में सही हो, लेकिन अगर लेबर और मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे ट्रैक बनाएंगे, इसलिए हमको उसको अवॉइड करना पड़ता है। अगला पॉइंट हो जाता है हमारा कि जो रेलवे स्टेशन और यार्ड होते हैं उनकी क्या लोकेशन होगी, क्योंकि जब हम अलाइनमेंट सेट करते हैं तो रेलवे स्टेशन और यार्ड में हमें चाहिए फ्लैट अलाइनमेंट, मतलब कि हॉरिजॉन्टल कर्व जो होगा वो फ्लैट होगा और स्ट्रेट होगा, मैक्सिमम कोशिश करते हैं स्ट्रेट हो, कभी कभी कर्वेचर भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैक्सिमम जो यार्ड और स्टेशन है वो फ्लैट होने चाहिए, और वर्टिकल कर्व जीरो होना चाहिए, उसमें ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार्ड में क्या होता है गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो कोई भी ट्रेन खड़ी है तो रोल डाउन होकर जा सकती है पीछे या आगे, जिस तरफ भी अलाइनमेंट होगा, तो रोलिंग स्टॉक के रोल डाउन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें ऐसी जगह पे बनाना पड़ता है स्टेशन या यार्ड जहाँ पे फ्लैट सरफेस हो, ठीक है। तो ये हमको अलाइनमेंट के समय ध्यान में रखना पड़ता है। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ता है कि जो एरिया है वो भी हमको इनफ मिल जाए, ठीक है, ज़्यादा सही एरिया मिल जाए हमको, क्योंकि यार्ड बड़े होते हैं, उसमें लूप लाइंस होती हैं, उसके अलावा यार्ड लाइन होती हैं, साइडिंग लाइंस होती हैं, और भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे मटेरियल हैंडलिंग के लिए स्टोरेज वगैरह बनाया जाता है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो शहर है शहर से के छोर पर बनाया जाए स्टेशन या यार्ड शहर के छोर पर बनाया जाए, अगले छोर में या पिछले छोर में जहाँ भी बनाया जाए, क्योंकि शहर के छोर पर अक्सर क्या होती है, ज़मीन सस्ती भी होती है और खाली ज़मीन और बड़ी ज़मीन मिल भी जाती है, तो ज़मीन अधिग्रहण करने में हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमको ध्यान में रखना पड़ता है, फ्लैट होना चाहिए और ज़मीन हमें इनफ मिल जाए, ठीक है। अब अगला पॉइंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं,
हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या फिर रिलीजियस प्लेसेस हैं, कोई बहुत अच्छा मंदिर है, कोई बहुत पुराना मंदिर है, या कोई हिस्ट्री से रिलेटेड कोई मॉन्यूमेंट बना हुआ है, तो उसके पास से रेलवे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम उसको तोड़ नहीं सकते, उससे दूर बनाया चाहिए रेलवे। उसके आसपास हम रेलवे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बहुत उसका कुछ ना कुछ एरिया तो इन्फ्रिंज होता ही है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा या फिर कुछ आगे जाके कुछ कंस्ट्रक्शन काम करना पड़े, तो उसका इफेक्ट पड़ता है मॉन्यूमेंट पर, ब्रिज वगैरह बनाना पड़े, तो इसलिए हम अवॉइड करेंगे कि इन ऐसी जगह से दूर रहें। और अगला पॉइंट हम नोट करेंगे कि जब हम रेलवे ट्रैक बनाते हैं तो रेलवे ट्रैक में अर्थवर्क कम से कम किया जाए, जो भी हम अलाइनमेंट बनाएंगे वहाँ ज़्यादा अनइवननेस ना हो, ज़्यादा स्लोप है या फिर ऊंचाई है, फिर स्लोप है, फिर ऊंचाई है, तो हम उसको इवन करने में हमको बहुत ज़्यादा फिलिंग करना पड़ेगी या फिर खुदाई करनी पड़ेगी, तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है रेलवे की। तो इससे अच्छा हम ऐसा ट्रैक ऐसा रूट लेंगे जिसमें कम से कम ये काम करना पड़े, ज़्यादा ऊंचाई ना हो, ज़्यादा गहराई ना हो, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि अर्थवर्क कम से कम करना पड़े। एक और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है ट्रैफिक का कंसिडरेशन करना पड़ता है कि ट्रैफिक कितना ट्रैफिक हमें मिलेगा। रेलवे लाइन बना रहे हैं पॉइंट ए और बी के बीच में, लेकिन रेलवे लाइन जिस जिस पॉइंट ए और बी के बीच में पॉइंट से जारी है, पॉइंट ए वन, ए टू, ए थ्री, जहाँ जहाँ इसका स्टॉपेज है, तो वहाँ से हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हों। हमने ऐसे गाँव में स्टेशन बना दिया जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, और ऐसे गाँव में स्टेशन बनाए नहीं, या ऐसे शहर में स्टेशन बनाए नहीं जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा। या फिर हमने ऐसी जगह स्टेशन बना दिया जहाँ पे फैक्ट्री है वहाँ बनाया नहीं, और हमने बना दिया दूसरी जगह पर, फिर क्या होगा, तो ट्रैफिक कम हो जाएगा उससे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम रेलवे लाइन बना रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको रेवेन्यू मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रेलवे को मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे से हमारी कॉस्ट भी निकल जाएगी, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी निकलेगी कुछ सालों में, और उसके बाद प्रॉफिट भी आएगा। तो इन सब चीज़ों का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब हम रेलवे लाइन का अलाइनमेंट बनाते हैं, ट्रैक की ज्योमेट्री हम डिसाइड करते हैं, इनका यूज़ करना पड़ता है। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम रेलवे लाइन बनाते हैं, रेलवे लाइन की का जो अलाइनमेंट है वो डिसाइड करते हैं, और एक अलाइनमेंट नहीं डिसाइड करते हैं, जब हम इसकी सर्वे करते हैं, जब प्लानिंग करते हैं, तो ऐसे बहुत से अलग अलग हम रूट डिसाइड करते हैं, उसके बारे में गहन चिंतन करना पड़ता है, विवेचना करना पड़ता है कि कौन सा रूट में हमको सबसे कम कॉस्ट आ रही है और किस रूट में हमको सबसे ज़्यादा रिवेन्यू मिल रहा है, और फिर सबको दोनों तीनों चारों जितने भी हमको रास्ते मिले हैं, जितने भी हमको अलाइनमेंट मिले हैं, उनमें से जो बेस्ट अलाइनमेंट है, अर्थात हमको जो बेस्ट मिलता है कि फिजिबल मिलता है, जिससे हमें कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, हम उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट देखते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देखते हैं रेलवे का, और इस तरह से हम रेलवे का अलाइनमेंट करते हैं।